तो सर्वी प्लस की साइट को ये अपडेट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग जाते ही बात से आए करेक्टर सर्टिफिकेट EWS जो भी यहाँ से ऑनलाइन करते थे, तो ऑनलाइन करने के लिए लॉगिन करके भी बनाते थे और यहाँ से बिटहॉट भी लॉगिन करके यहाँ से बनाते थे, ठीक है। तो सबसे पहले इनसे एगो अपडेट किया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लॉगिन कीजिएगा तो जन जन यहाँ पर होता है जन परिचय, जन परिचय एगो साइट लॉन्च किया गया है, ठीक है। जैसे ही पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जन परिचय, जैसे कि जन परिचय साइट पर लेके जाएगा, ठीक है। अब उस साइट का अलग है वो आईडी बनाना पड़ेगा, और उस साइट से आईडी बनाकर उसी से लॉगिन करके तब आपको ये जो सर्विस प्लस है साइट काम करेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ आता था कि पहले से ऑलरेडी जो लॉगिन आईडी बनाते थे वहीं से यहाँ पर लॉगिन करके, यहाँ पर लॉगिन करते, यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन करते थे। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक होगा और उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो एक ठो नया साइट पर लेके जाएगा, ठीक है। जो साइट के नाम है यहाँ पर देखिए डिस्प्ले पे वो दिखाई देगा, मेरी पहचान, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा है मेरी पहचान, ये आपका साइट है वो दिया गया। अब इस साइट पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना है, ठीक है, यूजर पासवर्ड बनाना है और इसी आईडी से आपको लॉगिन करना होगा। जैसे इस लॉगिन आईडी से डालकर लॉगिन ले लॉगिन कीजिएगा तो उसमें एगो नया पोर्टल खुलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस साइट पे आना है, ठीक है, मेरी पहचान, ठीक है, मेरी पहचान या सर्विस, देखिए दिखाते हैं, या सर्विस प्लस के साइट पर देखिएगा सर्विस, यहाँ पर बिहार का जो सर्विस प्लस साइट है ये भी साइट पर आके डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन कीजिएगा। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट ये ऑटोमेटिक ये ले चल जाएगा उसी साइट पे, ठीक है, मेरी पहचान पे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है यूजर आईडी और पासवर्ड, ठीक है। तो यूजर आईडी पासवर्ड उसके लिए है जो पहले से ऑलरेडी ये आईडी पे बना चुके हैं, ठीक है, जैसे कि पहले से आईडी बना, लेकिन आप लोग नहीं बनाए हैं इस आईडी को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ पर देख रहा है, ठीक है, लिख रहा है, ठीक है, लिख रहा है न्यू यूजर, ठीक है, मानो नया नया के लिए जो अभी तक आईडी नहीं बनाए तो वो अपना कैंडिडेट आईडी यहाँ से बना लें, इसलिए बोल रहा है कि अपन न्यू यूजर। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो साइन अप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछेगा मोबाइल नंबर, ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछेगा, और मोबाइल नंबर जैसे ही डालिएगा तो यहाँ पर OTP जाएगा, यहाँ पर दिख रहे जनरेट OTP, जैसे ही OTP मारिएगा तो यहाँ पर OTP जाएगा, और OTP जैसे ही डालेगा तो बॉक्स आएगा, वो OTP डाल के वेरीफाई करना, उसके बाद किस नाम से बनाना आईडी उस नाम में डालेंगे, नाम डाल देंगे, और यहाँ पर लास्ट नेम, तो लास्ट नेम को ज़रूरी नहीं, यहाँ पर ऑप्शनल में है, कोई ज़रूरत नहीं है कि दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट नाम देना है, स्टार भी देखिए लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद जेंडर डालना है, ठीक है, मेल है कि फीमेल है, और उसके बाद यूजर आईडी सक्सेस एक तो बनाना है, ठीक है। जैसे कि आपको आईडी बना देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको बनाना है न्यू न्यू इस तरह से अंडर स्कोर दे देना है, ठीक, या ईमेल आईडी ही अपना दे दीजिएगा जो भी हो, अंडर स्कोर देना है, उसके बाद कुछ संख्या दे देना है, ठीक है, कुछ संख्या दे देना है, यहाँ पे कुछ नंबर दे देना है आपको, बस इतना ही बनाना है आपको। और यहाँ पे पासवर्ड देना है, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख रहा है पासवर्ड कैसे बनाना है आपको, 8 करेक्टर उन्होंने कम से कम एक लोअर केस हो गया, एक अपर केस हो गया, एक करेक्टर सर्टिफिकेट, एक करेक्टर नंबर कोई दे दीजिएगा, और एक एक जैसे न्यूमेरिक हो गया वो तो एक नंबर भी देना है। जैसे कि मान लीजिए डाल देंगे न्यू एट द रेट 123, ठीक है, इस तरह से डाल देना है, और यहाँ पे कंफर्म पासपोर्ट पे डालना है, और यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर वेरीफाई कीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पर बता देगा आपको, यहाँ से एक्सेप्ट करके यहाँ से एग्री पर क्लिक कर देना है, ठीक है, और एग्री पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको वेरीफाई रिटर्न नंबर बता देगा, ठीक है, वेरीफाई यूजर आईडी पासवर्ड बता देगा, ठीक है। उसी तरह से आप जो यूजर आईडी पासवर्ड डालें तो उसके बाद लॉगिन करने हैं, तो लॉगिन करने के लिए फिर से यहाँ पर पोर्टल पे आ जाएंगे बैंक, ठीक है, लॉगिन करने के लिए इस पर डालेंगे, ये देखिए आपका यूजर आईडी पासवर्ड, जैसे ही डालेंगे यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डाल के जैसे इस पर क्लिक कर, जैसे आप जो यूजर आईडी वहाँ से बनाए हैं तो यूजर आईडी डालेंगे, और जो पासवर्ड वहाँ पर बनाए थे वो पासवर्ड डाल देना है, ठीक है, जो वहाँ पर यूजर ही डाले थे यूजर ही डाल के, और यहाँ से पासवर्ड डालेंगे तो पासवर्ड डाल के यहाँ पर साइन इन कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो ये डैशबोर्ड पर चले लेके चलाएगा आपका, ठीक है,
ये डैशबोर्ड पर। अब ये डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारा यहाँ पर पूछ दे रहा है ऑप्शन, ठीक है, कौन सी किस साइट पर जाना है, क्या चीज़ अप्लाई करना है, ठीक है। सॉरी देखिए लॉग आउट हो गया, हम एक बार फिर से लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही लॉग इन करके आइएगा तो इस साइट पे आ जाएगा, ठीक है, जो देखिए अब लिख रहा है मेरी पहचान, इस साइट पे आ जाएगा। और इस साइट पे आने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन है क्या यूज कर सकते हैं, बहुत सारा इसमें साइट जोड़ा गया है, ठीक है। जो पर क्लिक की जाएगा उस साइट पर ऑटोमेटिक ले चल जाएगा, एक ही आईडी से बहुत सारा आपको इसमें सर्विस मिल जाएगा, ठीक है। वो होता था कि सर्विस प्लस पर एक ही आईडी से खाली आपको जाति वासी आई बनाना होगा, ठीक है, लेकिन इस पर कि जैसे ही लॉग इन कीजिएगा तो इसमें बहुत सारा साइट जोड़ा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बिहार पर क्लिक कर देंगे, जाति वासी आई बनाना है तो सर्विस प्लस जाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सारा दिखाई दे रहा, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कौन से साइट पर जाना है, ठीक है। अगर जैसे नहीं पता चलेगा यहाँ पर सर्च के लिए ऑप्शन भी है तो यहाँ पर लिख देंगे जो साइट पर जाना हो, सर्च साइट का नाम लिखेंगे, ठीक है, सर्विस प्लस लिखेंगे या सर्विस खाली लिख देंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बिहार सर्विस लिख रहा है, इस साइट पर आना है, जातिवासी बनने के लिए इस साइट पर आना है, बिहार सर्विस, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर पूछ देखिए यहाँ पर बिहार सर्विस प्लस प्रोवाइडेड नंबर, अब यहाँ पर देखिए जैसे एक्सेस नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट सर्विस प्लस ऑफिशियल साइट पर ले चल जाएगा, ठीक है। ये देखिए ठीक है, जैसे ही लॉग इन कीजिएगा तो लॉग इन जैसे ही होगा तो इस साइट पर ले चल जाएगा, आरटीपीएस जो सर्विस प्लस का जो साइट है इस पर ले चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आके अपना जाति वासी है जो भी हो अपना अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई सर्विस पर ऑल सर्विस अवेलेबल सर्विस पर क्लिक कर देंगे। और देखिए सेम है, खाली जो जन्म परिचय जो सर्विस साइट उससे लिंक किया गया, ठीक है, और उस पर जाकर आपको आईडी बनाना, उसी से लॉग इन करिएगा तब जाके यहाँ से आपको सर्विस प्लस डायरेक्ट सर्विस प्लस पर लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से भी जाति बात ये जो ही बनाना है बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए।